फ्रेंड्स, आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग एंड स्पाइसेस। आज की मेरी इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ बीटरूट पराठा, जिसे कि मैं बटरफ्लाई शेप में बना रही हूँ, जिससे कि बच्चों को ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। और जैसा कि बच्चे बीटरूट खाना पसंद नहीं करते हैं, तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे शौक से खाएंगे। और बीटरूट जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा शार्प होता है, तो बच्चे इस टेस्ट को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आप इस तरीके से एक बार ट्राई कीजिए और उन्हें खिलाइए, वो शौक से खाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो बीटरूट लिए हैं, जिन्हें मैंने वॉश करके पील ऑफ कर लिया है। अब हम इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसमें 2 से 3 विसिल ले लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और इसमें हमें पीने का पानी यूज में लेना है और थोड़ा सा ही पानी डालना है, और उस पानी को हम बाद में जब हम आटा गूंथेंगे तब उसमें यूज में लेंगे। तो इसे मैं पीसेस में कट कर रही हूँ ताकि ये इजीली सॉफ्ट हो जाए अंदर तक। तो बीटरूट बॉईल हो चुके हैं और इन्हें मैंने ठंडा कर लिया है, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो हमने निकाल लिया है ग्लास में। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ब्लेंडिंग जार में डाल लेंगे इसे, और इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल रही हूँ ताकि इजीली ब्लेंड हो जाए सब। और इसमें हमें पानी नहीं डालना है, और इसी के साथ में मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ इसमें, और ब्लेंड कर लेंगे इसे। तो ब्लेंड करने के बाद में आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है, उसमें हम इस तैयार प्यूरी को डाल देंगे। और इसी के साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और सॉल्ट डाल देंगे। तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें जितना आप डालते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। भुना हुआ जीरा इसमें ज़रूर ऐड करें, काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है वो पराठों को। और पराठे हमारे सॉफ्ट बने उसके लिए मैं इसमें 1 से 2 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ। तो अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद में हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें जो हमने पानी निकाला था ग्लास में बीटरूट का, उसी पानी को हम इसमें ऐड करेंगे। तो जितना पानी हमने निकाला था वो पूरा पानी इसमें चला जाएगा। तो आटा लग चुका है, अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर दूंगी, और इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। तो 10 मिनट तक रेस्ट करने के बाद में हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है। अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस साइज की लोई बना ली है हमने इसकी, अब हम इसे बेल लेंगे और इससे हम बटरफ्लाई बनाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें और जानिए कि मैं किस तरीके से बटरफ्लाई बना रही हूँ। तो इसे बेल लिया है मैंने, अब एक नाइफ की हेल्प से मैं इसके ऊपर बटरफ्लाई की डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। तो आप एक बार बटरफ्लाई का कोई भी पिक्चर देख लें और उस तरीके से बटरफ्लाई का शेप इस पर कट कर सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट बच गया है उसे हम निकाल लेंगे और इसके शेप को एक बार देख लेंगे। तो अभी ये परफेक्ट शेप बन चुका है। अब मैं इसके सेंटर में डिज़ाइन बना रही हूँ इस तरीके से नाइफ से, और इसके बाद में हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे स्ट्रॉ की हेल्प से। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी स्ट्रॉ। तो यहाँ पर मैं इसकी आइज़ बना रही हूँ, और इसकी जो फैदर्स हैं उस पर हम डिज़ाइन बना देंगे इस तरीके से। तो बहुत ही ईजिली ये डिज़ाइन बन जाती हैं, और जब हम इसे सेकेंगे तब भी ये डिज़ाइन ऐसे ही रहेंगी। आप चाहें तो कुछ और शेप भी बना सकते हैं, या फ्लावर्स बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे या इजी लगे। इस तरीके से आप बच्चों को बीटरूट खिला सकते हैं, जैसा कि बीटरूट हेल्दी होता है बच्चों के लिए। तो अब हम इसके जो ऊपर वाला पार्ट है उस पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरे पास लेफ्ट बचा हुआ आटा था उसकी मैं इस तरीके से इसकी डिज़ाइन बना रही हूँ, और अच्छे से इसे स्टिक कर देंगे ताकि जब हम इसे सेकें तो ये ओपन ना हो। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ हार्ट शेप कुकी कटर, उससे हम इसके फेदर्स में हार्ट शेप बनाएंगे इस तरीके से। तो इससे ये काफ़ी सुंदर लगेगी देखने में। तो ये हमारी बटरफ्लाई रेडी हो चुकी है, अब हम इसे सेक लेंगे। तो इसे मैंने डाल दिया है तवे के ऊपर, और गैस का फ्लेम इस टाइम पर हमें मीडियम पर रखना है और इसे सेकना है। तो कुछ देर तक सेकने के बाद में अब हम इसे टर्न कर देंगे। तो थोड़ा केयरफुली इसे टर्न करें। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी घी, जैसा कि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हमेशा घी में ही बनाएं। तो सब तरफ अच्छे से घी लगा देंगे, और अभी आप देख सकते हैं कि इसकी बैक साइड पर भी डिज़ाइंस बन चुके हैं, लेकिन जब हम इसे सर्व करेंगे तब हम इसे फ्रंट साइड से ही सर्व करेंगे। और अब हम इसे वापस से टर्न करेंगे और इसकी दूसरी साइड भी घी अप्लाई करेंगे। तो पराठा अच्छे से सिक चुका है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सर्व कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बीटरूट बटरफ्लाई पराठा बनकर रेडी है। इस तरीके से अगर आप कोई भी डिज़ाइन इस पर बनाएंगे या फिर कोई फ्लावर बनाएंगे तो बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे, उन्हें बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इसे खाने में। और बीटरूट भी इजीली आप उन्हें खिला सकते हैं इस तरीके से। तो
तो अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपसे मेरे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाती रहूँगी, बने रहें मेरे साथ में और मिलेंगे मेरे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।